رحم اللہ من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون السلام عليكم عزاداران مظلوم کربلا آپ نے ابھی اس سے پہلے ولایت کے موضوع پر اور کیونکہ وہ واقعاً ولایت کے موضوع پر ہی تھی اس لیے کہ جب ہم ولایت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ولایت اللہ سے شروع ہوتی ہے اور رسول کے ذریعے سے امام تک پہنچتی ہے تو ایک بہترین مجلس آپ نے ہمارے بزرگ قادر الکلام صاحب قلم خلیق مرد مجاہد قوم و ملت اور مکتب کا دفاع کرنے والی شخصیت سے آپ نے سماعت فرمایا اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کو یوں ہی قادر الکلام نہیں کہا گیا ہے ایک بہترین مجلس کے جس میں آپ دیکھیں تو اصول بھی فروع بھی تاریخ بھی فضائل بھی سب کو انہوں نے 50 منٹ میں جامع اور ایک معنی گفتگو فرمائی اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی مجلس کا وقت یہ تھا اور میری مجلس پہلے ہونی چاہیے تھی لیکن کوئی بات نہیں ہے وہ بلاغت میں تو سیدھا بھی ہو جائے تب بھی بلاغت ہے الٹا ہو جائے تب بھی بلاغت ہے تو لف نشر مرتب ہو تب بھی بلاغت کے دائرے میں ہے اور اگر لف نشر غیر مرتب ہو تب بھی بلاغت کے دائرے میں ہے ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد تو بہرحال جس سلسلہ کلام کو ہمارے بزرگ نے آپ کے درمیان بیان کیا اسی سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور کیونکہ یہ آج کی جو شب ہے یہ جناب اویس قرنی کی شہادت کی شب ہے توجہ چاہ رہا ہوں آج کی جو شب ہے وہ شب شہادت ہے جناب اویس قرنی کی اور اویس قرنی وہ ہیں کہ جو بزبان رسول حزب اللہ کہلایا اسی لیے میں نے اس آیت کو سرنامہ کلام بنایا کہ جو حزب اللہ کے بارے میں ہے تو آپ جانتے ہیں کہ مولا علی نے پیغمبر کے ذریعے سے جناب اویس قرنی کے بارے میں کہ پیغمبر نے فرمایا
ओवैस करनी के बारे में कि ओवैस वो हैं कि जो हिजबुल्ला हैं और हिजब रसूल में हैं, अल्लाह की हिजब में और रसूल की हिजब में। और कहा कि बशारत दी कि इनको शहादत नसीब होगी। तो इसका मतलब है कि सिफीन के सिलसिले में पैगंबर ने बहुत एहतमाम के साथ गुफ्तगु की है कि अगर अम्मार को शहीद होना था तो उनकी भी शहादत का तذکرہ किया, और ओवैस को भी सिफीन में शहीद होना था लिहाजा उनकी शहादत का भी पहले तذکرہ किया। और उसके बाद उनकी शहादत की बशारत दी, और उसके बाद उनकी शफाअत की बशारत दी कि वो शफाअत करेंगे। तवज्जो चेहरा हूँ, शफाअत करेंगे। और बाद रिवायत में ये है कि कबीले मुज़र और रबीआ के बराबर लोगों की क्या करेंगे, शफाअत करेंगे। और बहुत से लोग उनकी शफाअत के ज़रिए से कहाँ जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। तो अजीज़ों, मैंने कहा ना कि जो बज़बा ने रसूल हिजबुल्ला कहलाया, पे हम यूँ तो दुनिया में सभी दावेदार हैं, कोई कहता मैं किसी की पार्टी में हूँ, कोई कहता मैं किसी की पार्टी में हूँ, लेकिन कुरान कहता है सिर्फ दो पार्टी है, या अल्लाह की पार्टी है या शैतान की पार्टी है। कुरान मजीद में सिर्फ दो पार्टियों का तज़किरा है, एक अल्लाह की पार्टी और एक शैतान की पार्टी। अब ये बड़ा संगीन मामला है कि परवरदिगार तूने दो पार्टी का तذکرہ किया है तो कुछ अलामत भी तो बता, क्योंकि हम बग़ैर अलामत को तो पहचानते नहीं हैं। तो कहा कि हाँ, हिजबुल्लाह किसे कहते हैं, इसकी भी तारीफ की गई और बताया गया कि हिजबुल्लाह किसे कहते हैं। तो अभी तो मैं एक जुमला कह सकता हूँ कि क़ुरान ने तो हिजबुल्ला के बारे में ये बताया कि हिजबुल्ला कैसा होता है, लेकिन हदीस रसूल ने बताया कि हिजबुल्ला कौन होता है। एक ने थ्योरी के एतबार से बताया और एक ने प्रैक्टिकल के एतबार से बताया कि अगर हिजबुल्ला तलाश करना है तो अम्मार जैसों को देखो, ओवैस करनी जैसे को देखो, तो तुमको समझ में आएगा कि अल्लाह की पार्टी वाला कैसा होता है। तो मैंने जिस आये करीमा को सरनामा कलाम करार दिया, उसमें परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि वमन यतवल्लल्लाहा व रसूलहु वल्लज़ीन आमनु फइन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल ग़ालिबून। जो लोग अल्लाह की सरपरस्ती में और अल्लाह की विलायत में ज़िंदगी बसर करते हैं और रसूल की विलायत के मातहत ये रोज़गार हयात को गुजारते हैं, और वो लोग के जो ईमान लाए उनकी विलायत के साए में ज़िंदगी गुजारते हैं, फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल ग़ालिबून, तो बेशक जो अल्लाह की पार्टी वाले हैं वही क्या हैं, कामयाब हैं। तो इसका मतलब ये भी बता दिया कि कौन लोग हिजबुल्ला हैं, और जब हिजबुल्ला हो जाएंगे तो रिजल्ट भी बता दिया कि वो कामयाब होंगे। इसीलिए हदीस किस्सा में अगर किसी कामयाबी का तذکرہ हो, तवज्जो कह रहा हूं, हैं तो ये दोनों क्या हैं, बात एक ही है। अगर शिया अली की कामयाबी का ऐलान किया जा रहा है तो हकीकत भी यही है कि शिया अली होता ही वही है कि जो पहले अल्लाह की विलायत में आ जाए, फिर रसूल की विलायत में आ जाए, और फिर इमाम की विलायत में आ जाए। इसीलिए इस आयत से पहले अल्लाह ने तذکرہ किया, वलीयुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली अल्लाह है और उसका रसूल है, और वो साहिबान ईमान हैं जो नमाज कायम करते और हालत रुकू में क्या करते हैं, ज़कात देते हैं। तो पहले बताया कि कौन लोग वली हैं, उसके बाद तकाजा किया कि देखिए वली हो जाना और है
और वली की विलायत में आना और है, हैं? वरना दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जो मन कुंतो मौला कहते हुए थकेंगे नहीं, हैं? मन कुंतो मौला कहते हुए थकेंगे नहीं, बल्कि इस कदर इस कौल को दोहराएंगे कि कव्वाल कहलाएंगे। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। हाँ, ये मजाक नहीं है। उनको जो ये कव्वाल कहा गया है वो इसीलिए जब वो कव्वाली गाते हैं तो पहले ये हदीस पढ़ते हैं कि قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولى فهذا علي مولى। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इस कौल को दोहराते हैं और हमने कहा कि मुबालगे की हद तक कि वो कायल ही नहीं है बल्कि कव्वाल बन गए हैं। लेकिन आया कव्वाल बन जाना ये अलग बात है, जो माना ही नहीं समझा वो माने को जिंदगी में उतारेगा कैसे? भाई जिसने माने ही नहीं समझा वो अपनी जिंदगी में माने को कैसे उतारेगा? तो इसीलिए पहले अल्लाह ने बताया कि कौन लोग वली हैं। तो बताया कि अल्लाह वली है, रसूल वली है, और ऐसा साहिब ईमान के जो नमाज कायम करता है, हालत रुकू में ज़कात देता है। कौन है वो? मौला अली। उसके बाद अच्छा ये देखिए कुरान की बलागत है, पहले तफसील फिर शॉर्टकट, क्योंकि बहुत से लोग शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं। तो जो दूसरी वाली आयत थी तो उसमें पूरी तफसील नहीं रखी गई। का वमन यतवल्लल्लाह, जो अल्लाह को वली बनाए, व रसूलहु, और उसके रसूल को, वल्लज़ीना आमनु, और उन लोगों को जो ईमान लाए। तो अब वो कौन लोग हैं कि जो ईमान लाए? कहा इससे पहले वाली आयत पढ़ लेना, हम काहिलों को थोड़ी समझाते हैं, जिनको पता ही ना हो कि एक आयत के बाद दूसरी क्या आने वाली है, बल्कि उसका जहन तो इतना काम करे कि अगर बाद वाली आयत में पहुंच जाए तो उसे पहले वाली आयत भी। इसलिए यहां पे पूरा पूरी तफसील नहीं थी, कावल्लदीना आमनू, क्योंकि इससे पहले जो आयत है उसमें तफसील गुजर चुकी है। तो अब अजीजों एक जुमला कह रहा हूं, अब हिजबुल्ला कौन हुआ? अल्लाह की पार्टी वाला कौन हुआ? तो कहा किसी की जबान से मत कह सुन लेना कि उन्होंने नाम ही रख लिया अपना अल्लाह की पार्टी, अल्लाह वाले। कहेंगे भाई अल्लाह वालियों की टोली आ गई। कहा नहीं, देखो कि वो अल्लाह की विलायत में भी आए हैं या नहीं आए हैं, सरपरस्ती में भी जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, या अपनी मनमानी कर रहे हैं, रसूल की विलायत में आए हैं या नहीं आए हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह का तो बड़ा तज़किरा कर रहे हों और बस रसूलुल्लाह से चिढ़ रहे हों, हैं? और भी जब रसूलुल्लाह से चिढ़ रहे होंगे तब तो बाद के मरहले तो और पेचीदा हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा कि हिजबुल्लाह को बताने से पहले उनकी अलामत बता दी कि हिजबुल्लाह वो होता है कि जो विलायत के साए में ज़िंदगी गुजारता है, और ये विलायत अल्लाह से शुरू होती है, फिर रसूल की विलायत में आता है, और रसूल के बाद इमाम की विलायत में आता है। तो जो अल्लाह की विलायत में आ जाए, रसूल की विलायत में आ जाए, और इमाम की विलायत में आ जाए, वो हिजबुल्लाह है। और जो हिजबुल्लाह है वो कामयाब है। फइन्न हिजबुल्लाह हुमुल गालिबून, और बेशक अल्लाह की जो पार्टी है वही कामयाब है। अब अगर अल्लाह की पार्टी भी शिकस्त खा जाए तो फिर कुरान कह रहा है कि हिजबुल्लाह ही क्या है, कामयाब है। लेकिन हिजबुल्लाह बनेगा कब? जब अइमा की विलायत में आ जाए, जब रसूल की विलायत में आ जाए, और जब खुदा की विलायत में आ जाए। तो इसलिए हमने कहा कि हो सकता है कि बहुत से कुन जहनों को समझ में ना आए, तो इसीलिए रसूल ने मिसदाक भी
दिखाया। तवज्जो चाह रहा हूं कि हिजबुल्लाह के मिसदाक क्या हैं। तो अब एक मिसदाक किसको दिखाया गया? ओवैसे करनी को। तवज्जो चाह रहा हूं, ओवैसे करनी काहे के मिसदाक हैं? हिजबुल्लाह के मिसदाक हैं। तो अब आप देखिए कि ये ओवैस साहब हैं क्या? अगर ये शाम की पार्टी में आ जाएं तो फिर आप हिजबुल्लाह के बारे में कोई और अकीदा रख लीजिएगा, लेकिन अगर ये सिफीन में मौला अली के साथ रहें तो अब आपको मानना चाहिए कि देखिए ओवैस कौन है जिसने मैदान शहादत में कदम रख करके और अली की राह में अपनी जान निछावर करके बताया कि सिर्फ मुझे रसूल ही का आशिक न समझ लेना, मुझे सिर्फ रसूल का ही आशिक न समझ लेना। इसीलिए अपनी जान उन्होंने क्या किया? मौलाए कायनात के ऊपर निछावर किया। तो तवज्जो चाह रहा हूं ग्रामी, क्योंकि तसव्वुफ में ओवैसे करनी का बड़ा दर्जा है और आप जानते हैं कि तसव्वुफ वालों को बहरहाल विलायत से एक रिश्ता है। वो और बात है कि वो विलायत को सरपरस्ती के माने में नहीं लेते हैं, वो दोस्त के माने में लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन बहरहाल दोस्त की हद तक बहरहाल वो एक दर्जा है विलायत का, उसके हम भी मुनकिर नहीं हैं। इसलिए कि जिसे मोहब्बत ही नहीं होगी वो सरपरस्ती में आएगा कैसे? तवज्जो चाह रहा हूँ जाने ग्रामी, लेकिन मोहब्बत ही सब कुछ नहीं है, पहला जीना है भाई। जिसे मोहब्बत ही नहीं है वो सरपरस्ती में आएगा क्यों? तो मोहब्बत भी है, इसलिए हमारे यहाँ विलायत दर मोहब्बत एक दर्जा है, लेकिन सब यही नहीं है बल्कि विलायत इससे बढ़ करके है। और इसीलिए अल्लाह ने ऐसी गोटी फंसाई कि उसको पता था ना कि इस उम्मत के जहन क्या है, कि ये तो भाई सबको चाहता है कि बस अपने ही बराबरी कर ले। तो ये तो अल्लाह को भी सोचेगा कि भाई ये तो कहिए कि वो जिस्म से भरी है, वरना तो ये उसके भी हाथ डाल देते गले में। और कहते भाई दोस्त हैं, रसूलुल्लाह तक तो पहुंच ही गए बेचारे हैं। वो तो और बात है कि जिब्रील को वहां तक ले जा करके दिखाया गया कि जहां उन्होंने कहा कि भाई अब इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं, मगर उम्मत में ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं कि सुभान अल्लाह रसूलुल्लाह के दोस्त बन गए। बल्कि ये तो दोस्ती इतनी छनी के गार क्या यार गार बन गए, हलवा भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हैं इतनी छनी दोस्ती। तो बहरहाल मिजाज है ये कि इंसान चाहता है, अच्छा कोई बात नहीं है, बेचारा हर आदमी चाहता है कि कुछ बड़ा बन जाए, तो बड़े बनने की हद तक तो हम मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन अब ऐसा भी ना करो कि बड़े को छोटा बना लो ताकि फिर लेबिल पे आ जाओ। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो आपने देखा जाने ग्रामी, तो ये हमने कहा कि तसव्वुफ वाले जो हैं वो विलायत के कायल हैं। और अजीब बात है, इस हदीस का मुनकिर कोई नहीं है, सब कायल है, कहते हाँ रसूल ने कहा मन कुन तो मौला फहाद अली मौला। लेकिन कुछ लोगों ने क्या कहा कि ये दोस्त के माने में, कुछ लोगों ने कहा कि ये क्या है हाकिम और सरपरस के माने में। हमने कहा ना कि अल्लाह ने बड़ी गोटी फंसाई, कहने लगे कि ये बड़े बनने के बड़े शौकीन हैं और ये हम बहुत ऊंची जगह हाथ मारेंगे, हमारे भी दोस्त बनने की कोशिश करेंगे, रसूल के दोस्त बनेंगे। तो कहने लगे ऐसा करते हैं कि इनको भी जो है एक छोटी सी प्रधानी दे देते हैं, और कहा कि भाई इनको क्या करते हैं, इनके बच्चों का इनको वली बना देते हैं। तवज्जो चाह रहा हूं। अब मैंने कहा कि भाई और बच्चों के दोस्त, बोले आपको शर्म नहीं आती है?
आप मुझे बच्चों का दोस्त बता रहे हैं? मैंने कहा भाई आप वली नहीं है मगर इन बच्चों के, तवज्जो चाह रहा हूँ, काश आप समझ जाएं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। भाई अल्लाह ने यही तो गोटी फंसाई ना, कि उसने यही तो नहीं किया, उसने रसूल के साथ कहा कि भाई इनको जो ये उम्मत के बाप हैं है ना, इनको आप जो है छोटी छोटी विलायत दे दीजिए, घर की विलायत। अब देखें ये क्या तर्जुमा करते हैं, हैं? अब भाई देखें क्या तर्जुमा करते हैं। मैंने कहा भाई मुल्ला जी कहाँ जा रहे हैं? कहा कि रे भाई बच्चों को ले जा रहे हैं ज़रा कुछ सामान खरीदने के लिए। मैंने कहा अच्छा, बच्चों के साथी, बच्चों के यार कहाँ लेके जा रहे हैं इनको? कहने लगे कि आपको तमीज़ नहीं है, आप मुझे अपने बच्चों का यार बता रहे हैं? मैंने कहा मगर आप वली नहीं हैं इन बच्चों के। कहाँ वो तो हूँ। तो मैंने कहा भाई वली के माने तो आप दोस्ती ही के लेते हैं। बतवाजो तेरा जाने ग्रामी, वली के माना तो आप दोस्ती ही के लेते हैं। अरे तो जब इतने बड़ों को आपने दोस्त बना लिया है, तवज्जो चाह रहा हूँ, जब इतने बड़ों को आपने दोस्त बना लिया तो आप बच्चों के दोस्त हुए, तो मैं क्या गलत कह रहा हूँ? कहा नहीं, यहाँ पे हम सरपरस्त हैं और कहीं विलायत याद ना आए, निकाह के वक्त तो याद ही आ जाती है ना, कभी याद आए या ना आए, लेकिन निकाह हो रहा हो तो अब ये वली साहब देखने चौड़े नजर आएंगे, मेरे इजाजत के बगैर निकाह नहीं हो सकता है। बल्कि बाद जगहों पे तो भाई वगैरह भी कहते रहे आपने हमसे पूछा ही नहीं, निकाह पढ़ दिया। हाँ तो कुछ विलायत में कुछ ऐसी कशिश रखी है कि जो नहीं भी होते वो भी बनने की कोशिश करते हैं। एक सलवार भेजिए मोहम्मद वाले। इसीलिए दो हदीस रसूल ने पता था ना कि मिजाज तो बड़ा इन लोगों का हाई फाई है, तो बच्चों के तो सरपरस बन गए, लेकिन दूसरी जगहों पर जब विलायत का मामला आया तो कहे तो दोस्त के माने में है। तो अब रसूल ने, क्योंकि अल्लाह ने इधर से गोटी फंसाई तो रसूल ने उधर से, उसने कहा इनको छोटी सी विलायत दे दो, फिर देखते हैं ये क्या तर्जुमा करते हैं। तब वहाँ सरपरस समझ में आता, वहाँ दोस्त समझ में नहीं आता, कहाँ लड़का जो है वो गले में हाथ डाल के चले इनके, है ना। अच्छा पैगंबर ने कोई चीज़ बचाई नहीं है। अब एक हदीस जो हमारे बुजुर्ग ने अभी आपकी खिदमत में पेश किया कि पैगंबर ने फरमाया या अली अना व अंत अबावा हाज़िहिल उम्मा, ए अली मैं और तुम इस उम्मत के बाप। बतवा दो कह रहा हूँ। अब देखिए तीन हदीस आ गई, एक एक मन कुन तो मौला फहाज अली मौला, का ये उम्मत के सारे बाप अपने बच्चों के वली बनाए जाते हैं। अब कहने लगे कि तुम तो अपने बच्चों के हो गए, हम तो पूरी उम्मत के बाप हैं। अना या अली अना व अंता अब वाहिल उम्मा, ए अली मैं और तुम इस उम्मत के बाप हैं। पैगंबर ने कहा अगर मन कुन तो मौला की हदीस समझ में ना आए तो हमको बाप मान लो, और फिर बाप वली होता है, जिस माना में बाप को तुम वली मानते हो वही वली ये भी है। एक सलावत दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जिस माना में बाप वली है तो हम भी इस उम्मत के क्या हैं, बाप हैं। अब मन कुन तो मौला को इस बाप वाली हदीस से मिला करके तर्जुमा करना, वरना जैसे तुम्हारे आँख कर देने से तुम्हारे बच्चे आँख हो जाएंगे, अगर हमने आँख कर दिया तो ना दुनिया के रहोगे ना आखिरत के रहोगे। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये हमने कहा कि ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक मफहूम है, और उसका मिसदाख भी दिखाया गया।
के जो हिजबुल्ला है वो कैसा होता है, का ओवैसे करनी जैसा होता है। इसीलिए खुद तसव्वुफ़ में एक सिलसिला तरीक़त है जो ओवैसिया के नाम से जाना जाता है, यानी इस कद पाए की शख्सियत है जनाब ओवैसे करनी की। और हमने कहा कि देखिए जो भी सूफियाए किराम हैं वो बहरहाल विलायत के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, जोर देते हैं, वालों इनकी विलायत बेमाना है क्या है, मोहब्बत है, लेकिन विलायत पर वो बहुत ज़्यादा क्या देते हैं, जोर देते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ये विलायत विलायत दर मोहब्बत ही सही इनके यहाँ, मगर पहुँची किससे? तो अगर एक सिलसिले ओवैसिया है तो ओवैसे करने, इसलिए तसव्वुफ़ में हमने कहा बहुत ज़्यादा दर्जा है। अच्छा एक बात, आज मैं बहुत ही जाहिर सी बात है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो, अरे जब लोगों ने मौला की तारीख में हेर फेर कर दी तो जो मौला के चाहने वाले हों हैं तो क्या उनकी पूरी तारीख आ जाएगी? उनकी पूरी तारीख नहीं आ सकती। इसीलिए हमें तारीख को भी जो है वो दरायत के आईने में देखने की क्या है, ज़रूरत है। इसलिए जाहिर सी बात है कि ये तारीखें भी बनी अब्बास के ज़माने में लिखी गई, बनी उमैया के ज़माने में लिखी गई, और ज़्यादातर तो बनी अब्बास के ज़माने में लिखी गई। अजीब बात, मैं एक नुक्ते की तरफ मुतवज्जे हुआ जब तबकात इब्ने साद पढ़ रहा था, तो देखिए कहीं भी दुनिया में जब तारुफ होता है तो ऊपर से सिलसिला नसब शुरू होता है या नीचे से हैं? उन्होंने जब पैगंबर का सिलसिला नसब शुरू किया तो जनाब आदम को लिया और फिर बनी हाशिम पे आ गए, और बनी हाशिम से फिर जो है उन्होंने जो है उसकी तलब मोड़ा। तो मैं कहूँ कि ये बार बार हदीस में बनी हाशिम के बारे में सिर्फ एक बात लिखी, एक हदीस लिखी कि वो बनी हाशिम से थे, लेकिन उसके बाद सारा जोर कुरैश पे, इधर से रिवायत घूम करके कुरैश पे ख़त्म हो रही, उधर से रिवायत, तो उसका मतलब क्या हुआ कि सारा जोर किस पर है, कि ये कहाँ से थे, कुरैश से थे। तवज्जो चाह रहा हूँ, बल्कि एक रिवायत तो हमने यहाँ तक देखा कि यमन से ही कोई वफद आया था पैगंबर की खिदमत में, तो उन्होंने जो है सवाल किया कि, और वो नसब से मुतालिक था, तो उन्होंने फरमाया देखिए जिस वास्ते से तारीख आई है इस रिवायत में वही है। तो पैगंबर कहते हैं नसब के बारे में जानना हो तो अब्बास और अबू सुफियान से जाके पूछो। हाय हाय हाय, यानी पैगंबर भी, देखा आपने ये है रावी, कहते घुमा के लाया, यानी अब्बास को भी लेके आया और अबू सुफियान को भी लाया, क्योंकि अभी मौजूदा खिलाफत अब्बास के बेटों की है और उससे पहले वाली अबू सुफियान की थी। तो यानी यहाँ तक जोर था। उन रिवायतों में मैंने देखा कि जो नस से मुतालिक है उस पर दो तीन जगह पर अब्बास और अबू सुफियान का हवाला, हत्ता कि हमने कहा ना कि रुजू करने का हुक्म दिया पैगंबर ने कि उनकी तरफ रुजू करो, तो वो कहने लगे, वो भी बड़े हट्टी किस्म के थे या रावी को फंसाने वाले थे, वो बोले कि हम किसी और से नहीं पूछेंगे, हम तो आपसे पूछेंगे, मामला आपका है तो आपसे पूछेंगे। और अगर यमनी रहे होंगे तो कुछ समझ बूझ के रहे होंगे, क्योंकि यमनी किसी और के दस्ते हक परस पर ईमान थोड़ी लाए हैं, ये अली के दस्ते हक परस पर ईमान लाए। इसलिए यमनियों ने कहा कि भाई हम इधर उधर तो नहीं पूछेंगे, हम तो आपसे मामला करने के लिए। तब उन्होंने कहा कि देखो हम कोई जो है अपने ख़ानदान के सिलसिले को बदलते नहीं हैं, ना माओ का सिलसिला बदलते हैं, ना बाप का सिलसिला बदलते हैं, तो ये भी एक दर्स है कि आज हमारे यहाँ भी बहुत से लोगों को शौक हो गया है अपना सिलसिला नसब बदलने का। तो पैगंबर की 42 हदीस से तो तवज्जो चारों मजाने ग्रामी। तो मैंने कहा कि ये आखिर बार बार इन्हीं पे क्यों जोर दे रहा? अब उसके बाद खुदा की कसम कितने शातराना चाल चलते हैं तारीख में। अरे जब आज आप देख लीजिए हैं, दिन के उजाले में काम हुआ और सब बरी, दिन के उजाले में, हत्ता कि वो एतराफ़ करते रहे
हैं, उसके बावजूद भी सारे मुजरिम क्या हो गए, बरी हो गए। तो आज जमहूरियत के दौर में इतना मीडिया तरक्की कर चुका है, उसके दौर में कहते हैं लोग पहले की बनिस्बत बड़े पढ़े लिखे हो गए हैं, मगर उस दौर में हैं दुनिया में हमने कोई फैसला ऐसा नहीं देखा, यही देखा कि कुछ बरी हो गए तो कुछ को तो सज़ा मिली, मगर यहाँ तो सब के सब, ये लगता है वही वाली रिवायत रज़ियुल्लाह वाली, ये भी पा गए हैं, एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने कहा वाकई, मैं इस पढ़ने के बाद मैं सोचा कि ये आखिर इतना घुमा क्यों रहा है, तो अब पता चला कि फिर एक रिवायत लाए कि ये बार बार जो कुरैश की तरफ निस्बत दी गई और बहुत ऊपर के ख़ानदान को जो है हाईलाइट किया गया, और उसमें मंशा ये था कि सारे कुरैशियों को भी खुश कर दिया जाए, है ना। तो अब उसके बाद देखिए ये शातराना चाल है, अब उसके बाद उसने लिखा एक रिवायत, और वो इब्ने अब्बास से भी और गैर इब्ने अब्बास से भी है। अच्छा, इस मजलिस का फ़ायदा ये है कि हमारे रावी भी मौजूद हैं, कहीं अगर मैं भूलूंगा तो मैं फौरन पूछ लूंगा, सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आप देखिए कि ये रिवायत इब्ने अब्बास, क्योंकि हमने कहा ना कि तबकात इब्ने साद लिखने वाला जो है वो बनी अब्बास के ज़माने में लिख रहा है, और कहते हैं बनी हाशिम का ग़ुलाम था, लेकिन जब ये बनी हाशिम का नहीं, ये खुद बनी अब्बास का ग़ुलाम था। अब उसने एक हदीस देखे कैसे गोटी फसाई, कहा कि पैगंबर वासिता हैं और वासित हैं, वासित क्या वासित, कहने लगे कि पैगंबर वासित, और ये इब्ने अब्बास से भी रिवायत है कि वो तमाम अरब में कहीं ना कहीं से रिश्तेदारी रखते हैं, दूर से करीब से, तवज्जो चाह रहा हूँ। तो अब क्या साबित किया कि तमाम अरब वालों से पैगंबर की या पिजरी रिश्तेदारी है या मादरी रिश्तेदारी है। तो अब देखिए सारे अरब वालों को खुश कर दिया, सब रसूलुल्लाह के क्या हो गए, कराबतदार। देखिए कैसे तारीख घूम करके लाती, अब ये आयत कोट की गई कि पैगंबर ने जो ये कहा कि قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, तो क्योंकि सारे अरब वालों से उनकी क्या थी, कराबतदारी थी, तो वो कहते थे गोया वो अपनी अरब कौम से ये कह रहे थे कि अगर तुम हमें रसूल की हैसियत से नहीं मानते तो कम से कम कराबतदारी का ही ख्याल रख लो। देखा कितना मामला फुसफुसा निकला, क्योंकि ये छात्रा चाल। तब मैं वाकई बता रहा हूं मैं आपसे कि मैं पहले मुतवज्जे नहीं हुआ, लेकिन जब इसने ये जोड़ लगाया तो मैंने कहा अच्छा, तो ये इसीलिए जो है शुरू वासिद भी तलाश किया गया है और सारा जोर कुरैश के ऊपर, वरना हकीकत तो ये है कि अगर पैगंबर की तारीख लिखी जाए तो सबसे करीबी अगर कोई है पैगंबर का तो वो अबू तालिब और हमजा हैं, क्योंकि ये एक ही माँ से हैं। तो वजह कह रहा हूँ, अगर मुझे तारीख लिखने के मिले तो पहली बात तो हम ये लिखेंगे ना भाई, क्योंकि जनाब अब्बास हैं उनकी माँ दूसरी थी, ठीक है बाप अब्दुल मुत्तलिब थे, लेकिन जनाब हमजा, जनाब अबू तालिब और जनाब अब्दुल्ला ये एक माँ से थे। अब समझ में आया कि जब अब्दुल मुत्तलिब जाने लगे तो अब्दुल्ला के प्यारे को किसी और के हवाले नहीं किया, अबू तालिब के हवाले इसीलिए किया क्योंकि ये पिदरी एतबार से भी चचा है, मादरी एतबार से भी चचा है। इन सलवात दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि जब अहले बैत के साथ पैगंबर के साथ तारीख ये जुल्म कर रही है, तब उनके चाहने वाले
आप ये सोचिए कि ओवैस की दुश्मनी आज इतनी है, हमारे यासिर की दुश्मनी आज इतनी है कि जब दाएश ने रक्का पे कब्ज़ा किया तो उनके मज़ार को बम से उड़ाया या नहीं उड़ाया। आप सोचिए ये दुश्मनी जब आज इतनी है तो पहले कितनी रही होगी। तो मैंने कहा ना कि तसव्वुफ में बहरहाल ओवैस का एक बहुत बड़ा दर्जा है और विलायत के अतबार से इनका एक दर्जा है, और हमने कहा पूरा एक सिलसिले तरीक़त जो है वो इन्हीं के नाम से क्या है, जारी है। तो अब एक नुक्ते की तरफ मैं ले जा रहा हूँ। देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जो तजिया और तहलील से, मैं नहीं कहता कि मैं 100% में सही हूँ, हो सकता है कि, लेकिन मैंने कहा ना कि एक काविश की है मैंने, क्योंकि मैं ये सोचता था, मेरे जहन में एक सवाल आता था कि 15 शाबान को हमारे बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ जनाब ओवैस करनी का फातिहा होता है और जनाब हमजा का भी होता है, तो 15 शाबान को तो कोई मुनासबत ना जनाब हमजा की है ना ओवैस करनी की है, और हमारे यहाँ भी बहरहाल जनाब हमजा की बास जगहों पर हम नज़र होती है 15 शाबान को, हमारे यहाँ भी है, लेकिन उनके यहाँ बहरहाल जनाब ओवैस करनी और जनाब हमजा का क्या होता है, फातिहा होता है। तो मैं एक मतलब ये सवाल मेरे जहन में आया कि आखिर क्या मामला है, 15 शाबान को क्या ताल्लुक है, जबकि जंगे ओहद शाबान में नहीं हुई है, जनाब हमजा ओहद में शहीद हुए हैं, जनाब ओवैस करनी जो है सिफीन में शहीद हुए हैं, तो 15 शाबान से इसका राबता क्या है, और अगर इस राबते को हम समझ जाएं तो शबे बरात का एक और मफहूम भी जहन में आ जाएगा। शबे बरात ये सिर्फ गुनाहों से तौबा की शब नहीं है, ओवैस करनी का वजूद बता रहा है कि ये कातिलीन हमजा से बेजारी की भी शब है। तो अब मेरा जहन जहाँ तक पहुँचा है, मैंने कहा ना कि ये देखिए पढ़ी हुई बात नहीं है जो मैं बयान कर रहा हूँ, लेकिन जो दर्जा है इतनी बात तय है कि जब ये लोग कहते हैं ना कि पैगंबर, देखे पैगंबर के जो दांत शहीद हुए वो कहाँ शहीद हुए थे, ओहद में, और जनाब हमदा भी कहाँ शहीद हुए, ओहद में। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ ओवैस ने पैगंबर के दांत शहीद होने की वजह से अपने दांत नहीं तोड़े थे, बल्कि उसमें जनाब हमजा की जो दर्दनाक शहादत हुई और हिंदा ने जिस तरीके से उनको मुसला किया, तवज्जो कह रहा हूं, हमजा को जिस तरीके से हिंदा ने मुसला किया कि उनके होठ काटे, उनके नाक काटे, उनके कान काटे, उनकी उंगलियां काटी और उनको हार बनाया, तो तवज्जो कह रहा हूं, तो ओवैस करनी सिर्फ रसूल ही की मोहब्बत में नहीं बल्कि रसूल की चचा की मोहब्बत में भी उन्होंने जो दांत तोड़े, तो इसका मतलब है कि इस वाकये का इतना असर हुआ इनके ऊपर। अच्छा ओवैस तो वहां थे नहीं, वो तो यमन में रहते थे और यमन में भी एक मामूली से गांव में रहते थे, और इनकी ज़िंदगी के बारे में मिलता है कि इनकी ज़िंदगी भी जाहिदाना थी, तो आज की तरह तो कोई मसला तो नहीं था कि फौरन खबर पहुंच गई हो। मैं ये समझता हूं कि देखिए 15 शाबान को हमजा से कोई रिश्ता नहीं है, रसूल के वाक़े से भी कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इतना तो मैं मान सकता हूं कि ओवैस को हो सकता है कि जो खबर मिली हो वो 15 शाबान को मिली हो, और फिर उन्होंने दुश्मनाने रसूल और दुश्मनाने हमजा से बेजारी किया हो, बरात किया हो, लिहाजा तशव्वुफ में ये शबे बरात उस बरात के लिए भी है जो दुश्मनाने रसूल से मखसूस है। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। उस जमाने में तो इतने तो मीडिया तो था नहीं कि फौरन खबर पहुंच जाएगी,
तो ये तो बात है ना कि बात जब उनको खबर पहुंची तो उन्होंने क्या किया, अपने दांत शहीद किए। और जाहिर सी बात है कि जो इस कदर आशिक़े रसूल रहा हो, जब उसको दुश्मनान रसूल का पता चला, जनाब हमज़ा के दुश्मनों का पता चला, और सिर्फ वहाँ पर सिर्फ जनाब हमज़ा ही थोड़ी शहीद हुए हैं, ख़ानदान रसूल से चार अफराद शहीद हुए हैं, मसअब बिन उमैर, अब्दुल्ला बिन जहश, अबू सलमा और जनाब हमज़ा, कम से कम चार लोग ख़ानदान रसूल के शहीद हुए, जिसमें दो सेम हैं। जिस तरीके से जनाब हमज़ा को मुसला किया गया है, उसी तरीके से जनाब अब्दुल्ला बिन जहश को भी मुसला किया गया है। तो ये हिंदा सिर्फ जनाब हमज़ा ही को मुसला करने वाली नहीं है, अब्दुल्ला बिन जहश को भी मुसला किया गया है। बस फ़र्क इतना है जनाब हमज़ा और अब्दुल्ला बिन जहश में कि जनाब हमज़ा का कलेजा भी निकाला गया लेकिन अब्दुल्ला बिन जहश का कलेजा नहीं निकाला गया। इसीलिए पैगंबर ने दोनों को एक कब्र में दफन किया। तवज्जो चरा हूँ, पैगंबर ने दोनों को यानी जनाब हमज़ा को भी और अब्दुल्ला बिन जहश को क्या किया है, एक कब्र में क्या किया है, दफन किया है। तो अब आप सोचिए कि जब जनाब ओवैस को ये खबर मिली कि जंग ओहद में पैगंबर के दांत शहीद हुए, उनको मुतअद्दिद ज़ख्म आए, जनाब हमज़ा को मुसला किया गया, जनाब अब्दुल्ला बिन जहश को मुसला किया गया, जनाब मुसअब बिन उमैर को जो है वो शहादत मिली, तो अब आप सोचिए कि क्या उस ख़ानदान के ऊपर बिफरे नहीं होंगे। अरे वो जब सिफीन में उस ख़ानदान के मुकाबले में आ गया, अजीजो मैं कह रहा हूं कि ये मैं सिर्फ एहतमाल की बात नहीं कर रहा हूं, ये यकीन की बात कर रहा हूं। अगर किसी को जंगे ओहद के वाकये में शक हो जाए तो वो सिफीन में आके देखे कि ओवैस उसी हिंदे जिगरखोरा के लाल के मुकाबले में आया। और जब वो आया है तो अब शबे बरात मनाइए, खूब मनाइए, मगर अब इस बैकग्राउंड को भी जहन में रखिए, क्योंकि तवल्ला बगैर बरात के हैं, तवज्जो चाह रहा हूँ, मुकम्मल नहीं होती है। तो इसलिए अगर जनाब ओवैस से आपने विलायत ली है तो ये भी मफहूम लीजिए। इसलिए मैंने कहा कि शबे बरात का एक मफहूम ये भी है कि जब उनको खबर मिली तो सिर्फ दांत ही नहीं तोड़े बल्कि खानदान रसूल के दुश्मन से इजहार बेजारी किया। और जब इजहार बेजारी किया तो अब शबे बरात का एक मफहूम यह भी है कि जैसे आप अपने गुनाहों की तौबा करके गुनाहों से दूर भाग रहे हैं, वैसे ही ओवैस की सुन्नत पर अमल करते हुए दुश्मनाने खानदान रसूल से भी दूर होइए, तब शबे बरात का हकीकी मफहूम सामने आएगा। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो चाह रहा हूँ अज़ान ग्रामी। तो ये बहुत ही काविशों के बाद ये नतीजा मैंने आपको दिया है। हाँ, ये पसीने जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं उससे भी पहले बहुत पसीने अंदर बह चुके हैं दिमाग के। दरवाज भेजा मोहम्मद वाले। तो बस अज़ीज़ाने गिरामी, जाहिर सी बात है कि एक मजलिस जामे माने आप सुन चुके हैं। अब मैं तो सिर्फ तयम्मुमन आ गया हूँ और इसीलिए सारी गुफ्तगू तयम्मुम जैसी ही है, क्योंकि वुजू की सारे मराहिल क्या हो चुके हैं, गुजर चुके हैं। तो बहरहाल ये हैं ओवैस करनी जिनको रसूल ने बताया कि क्या हैं, हिजबुल्लाह। तो यूं ही हिजबुल्लाह नहीं कहा, का जो हिजबुल्लाह होता है वो अल्लाह की भी विलायत में होता है, रसूल की भी विलायत में होता है और इमाम की भी विलायत में होता है। लिहाजा दांत तोड़ करके बताया कि मैं रसूल की विलायत में हूँ, और जंगे सिफीन में मौला अली के साथ आकर के दर्जे शहादत पर फायज हुए ताकि ये बताएं कि हम इमाम की विलायत हैं।
और बस अजीज़ान ग्रामी एक जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ यहीं से रब्ते मसाइब के, आप देखिए कि आज सदियाँ बीत गई और उवैस करनी को उनके मजार को बम से उड़ाया। अम्मार जासिर जो कि जंग सफीन में शहीद हुए, मैंने कहा ना कि दोनों के बारे में पैगंबर ने शहादत की पेशीन गोई की है शहादत से पहले, तो अब कोई आदमी ये ताज्जुब ना करे कि उन्होंने पहले से इमाम हुसैन की शहादत की खबर कैसे दे दी, है ना। बहुत से लोगों के जहन में आता है कि जब शहादत अभी हुई नहीं तो रसूलुल्लाह ने पहले से कैसे दे दी, तो इनके पास तुम बाद में आना, पहले सहाबा के पास जाओ। तो अम्मार की शहादत की भी खबर पहले दी, ओवैस की शहादत की खबर पहले दी, और जब अम्मार की शहादत की खबर दी तो सिर्फ शहादत ही की खबर नहीं दी, कहा कि तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। तवज्जो कह रहा हूं इसलिए कि ये हो ही नहीं सकता कि आदमी शहीद को तो तस्लीम करे लेकिन कातिल से गाफिल हो जाए। शहीद को बहुत से लोग हैं ना वो कट मार के निकलते हैं, इमाम हुसैन शहीद है, शहीद आदम, छोटा मोटा भी नहीं मानेंगे, शहीद है आदम, लेकिन उधर से कुछ नहीं। तो कहा नहीं, सिर्फ शहीद आदम को याद करना काफी नहीं है, उस कातिल को भी तो लाओ सामने। इसीलिए रसूल ने अम्मार में सिर्फ शहादत की खबर नहीं दी, वरना लोग कट मार लेते, कहते कि रसूलुल्लाह ने शहादत ही तक की तो बात कही है, उन्होंने नहीं, शहादत के साथ कहा तुमको एक बागी गिरोह क्या करेगा, कत्ल करेगा। तो रसूल ने शहीद को भी दिखाया और साथ में कातिल गिरोह को भी दिखाया, कहा जब तक ये दोनों तुम्हारी निगाहों में ना रहे पूरा रसूल तुम्हारे जहन में नहीं आ सकता। एक सलवात दे दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, पूरा रसूल, पूरी सीरत तैयबा, पूरे अकबाल रसूल के वो सामने नहीं आ सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि बस आधा लो और आधा छोड़ दो। तो हमने कहा ना कि इसीलिए इनसे इतनी दुश्मनी थी, जंगे सिफीन में आए जनाब अम्मार भी, उन्होंने भी शहादत दी, और इत्तेफाक से आप जानते हैं कि अभी चंद दिनों पहले जनाब अम्मार की शहादत थी, क्योंकि जंगे सिफीन में वो भी शहीद हुए हैं और जंगे सिफीन थोड़ा लंबी चली है। तो आज की तारीख शबे शहादतें वैसे कर नहीं, लेकिन चंद दिन पहले जनाब अम्मार की शहादत की तारीख है। और अजीब बात है कि ये सफ़र में यमनियों से बड़ा ख़ास राबता है, ओवैस भी यमन के, अम्मार भी यमन के। और मैं यहाँ पर एक बात कहूँ कि बड़ी अच्छी बात कही है अलामा रशीद तुराबी ने, कहने लगे वो जो अब्दुल्ला इब्ने सबा कहा जाता, तो इब्ने सबा, सबा कहाँ है, यमन में। अब कहने लगे कि किसी की जुरत तो है नहीं कि अम्मार के मुकाबले में आ सके, क्योंकि रसूल की जबान से शिया अम्मार कहलाए हैं। तवज्जो जरा, बहुत प्यारी बात कही है, उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला बिन सबा ये कोई और नहीं है, ये अम्मार यासिर हैं, क्योंकि सबा ही से आए थे इसलिए इन्होंने इब्ने सबा कहा, अम्मार के नाम लेने की जुरत नहीं थी लिहाजा अब्दुल्ला बना दिया। तवज्जो जरा, क्योंकि जुरत नहीं थी ना आने के सामने। और वाकई है कि तशय्यो की तबलीग में हमारे यासिर का बहुत बड़ा किरदार है, और आप जानते हैं कि तीसरी खिलाफत में ये हमारे यासिर ही थे जो अली की विलायत का परचम बुलंद किए हुए थे। अब तवज्जो चाह रहा हूं, तो वो कोई और अब्दुल्ला बिन सबा नहीं था। तवज्जो दे रहा हूं, अल्लामा रशीद तुराबी ने ये बहुत प्यारी बात कही, कहा इसलिए कि अम्मार इब्ने सबा थे, क्योंकि यमन और सबा के रहने वाले थे इनके बुजुर्ग, वहां से इनके बाप मुहाजरत करके आए थे यासिर मक्के में, तो इस वजह से इब्ने सबा कहा।
अब अम्मार इतनी बड़ी पर्सनालिटी थी कि अगर शियत की निस्बत उनकी तरफ दी जाए तो हाथ पकड़ लिया जाएगा, इसीलिए उनका नाम हटाया और अब्दुल्ला रख दिया। तो अब उन्होंने कहा कि ये कोई और अब्दुल्ला बिन सबा नहीं है, ये वही अम्मार यासिर है जो सबा से आया था। तो अजीजा ने ग्रामी, अजीब है कि सफर की मुनासिबतें, अम्मार यमन से बहुत गहरी रखती हैं, ओवैस की शहादत यमनी, अम्मार की शहादत यमनी, और जैद की जो शहादत हुई है उसका एक ताल्लुक यमनियों से है, जैद की शहादत सफर में हुई है उसका भी ताल्लुक यमन से, क्योंकि जो जैदी फिरका है वो यमन में है। तवज्जो कह रहा हूँ, जो जैदी फिरका है वो यमन में है और उसमें कुछ जैदी शहादात भी हैं। अलबत्ता जो यमन में जैदी शहादात हैं वो दो हैं। अब देखिए हमारे जैदी साहब भी बैठे तो उनको बता देता हूँ, यमन में जो एक तो जैदी फिरका है, हाँ ये भी हो गया, कभी कभी ना हो कि आप कहें कि जो जैदी शहादात थे उनको इन्होंने शिया से बाहर कर दिया, हाँ कभी होता ना आदमी आधी बात सुनता है और आधी बात। देखिए एक तो नस्ली एतबार से जैदी हैं और एक फिरका भी है क्या जैदी। अगर जो जैदी शहादात हैं वो भी दो तरीके के हैं, अक्सरियत जैदी शहादात की जो यमन के अलावा है वो शिया शनाशरी है, लेकिन यमन में जो शहादात हैं उनमें बहुत से क्या हैं जैदी हैं। अलबत्ता एक बात बता दें कि सब जैद की भी नस्ल से नहीं है, यानी इमाम सज्जाद के जो बेटे हैं जैद उनसे सारे जैदी नहीं हैं, बल्कि इमाम हसन के हसन मुसन्ना के एक बेटे का भी नाम जैद है। तवज्जो कह रहा हूँ ये बातें हैं ताकि हमारे बच्चों के जहन में ये बात भी रहे, तारीखी बात भी आनी चाहिए और जब नस्लों का तस्करा होता है तो उसमें भी ये बात आनी चाहिए कि एक तो इमाम ज़ैनुल आबदीन के बेटे हैं जनाब जैद जिन्होंने क़याम किया था और शहीद हुए थे, और दूसरे हैं हसन मुसन्ना के बेटे, उनका भी नाम क्या था जैद था, या जनाब हसन मुसन्ना के पोते थे, बहरहाल जैद के बेटे वो हसन मुसन्ना के बेटे थे या हसन मुसन्ना के पोते थे, उनका भी नाम क्या है जैद है, और उनकी भी नस्ल जो है वो जैदी कहलाई। तवज्जो चरा हूँ, तो जैदी दो तरीके के हुए, एक इमाम सज्जाद के बेटे जनाब जैद से और एक हसन मुसन्ना के वो बेटे या पोते, बहरहाल इस वक्त थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, वो जनाब जैद थे उनके भी क्या थे वो। और इत्तेफाक से यमन में ये दोनों सादात बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे, बहुत ज़्यादा फ़ाल रहे, और हत्ता कि इनके इतिहास से वहाँ बहुत से इनकलाबात आए। तो इसलिए तवज्जो चाह रहा हूँ कि अली इब्ने अबी तालिब के ज़रिए से यमन फतह हुआ, लेकिन तलवार के ज़ोर पे नहीं। इसीलिए यमनी चाहे किसी भी फ़िरके से हो वो मौलाए कायनात से बहुत शदीद मोहब्बत रखता है कि इनके साये में हम दौलत ईमान से सरफराज हुए। इसलिए जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया है जनाब मोहम्मद बिन हनफिया ने, तो एक मशवरा क्या था कि आप यमन जाइए क्योंकि वहाँ आपके बाबा के चाहने वाले बहुत हैं। समझ में आया आपको, यो यूँ ही नहीं कहा जा रहा है। मोहम्मद हनफिया ने जो यमन जाने का मशवरा दिया तो यूँ ही नहीं था। अब आप सोचिए कि वहाँ मशवरा दिया गया नहीं गए, लेकिन अब अगर इन्हीं यमनियों में कोई उस खानवादे का चश्मो चराग आ जाए। इसीलिए जब जैद जो हसन मुसन्ना की नस्ल थे जब वो भी गए तो यमनियों ने हाथों हाथ लिया, और जब इमाम सज्जाद के बेटे जैद के बेटे जो हैं वो यमन गए और उनकी नस्ल वाले यमन गए तो तब भी यमनियों ने हाथों हाथ लिया। ये आज उसी का फैज है कि आज यमन है बातिल का डट करके क्या कर रहा है, मुकाबला कर रहा है। और अब अगर ये रिवायत आप सुने कि हसनी खुरूज करेगा, एक रिवायत ऐसी है ना कि यमन से खुरूज करेगा, तो आप ताजुब ना करिएगा
क्योंकि हमने आपको बताया ना कि हसन मुसन्ना यानी इमाम हसन की नस्ल वहां पहुंची, तो हो सकता है कि उसी नस्ल में से कोई, और हो सकता है कि जो मौजूदा हैं इन्हीं में से कोई उठे, क्योंकि सैयद अब्दुल मालिक ये क्या हैं, सादात में से हैं। लेकिन क्योंकि मैंने भी इनके बारे में कन्फर्म नहीं किया कि ये कौन से सादात हैं, आया हसन मुसन्ना वाले नस्ल से हैं या इमाम सज्जाद वाले जैद की नस्ल से हैं, बहरहाल मैंने क्योंकि कन्फर्म नहीं, तो इसलिए मैं भी कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता, लेकिन एक एहतमालन गुफ्तगू हम कर सकते। लिहाजा ये रिवायत जो आई है कि हसनी यमन से खुरूज करेगा, तो आप ताज्जुब ना कीजिएगा, क्योंकि इमाम हसन की नस्ल बहुत पहले से यमन में मौजूद है। और बस अज़ीज़ाने किरामी, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब इतने ज़माने के बाद ये अम्मार को नहीं भूले, ये उवैस करनी को नहीं भूले और उनके रोज़े को बम से उड़ा दिया, तब आप सोचिए कि ये जिनके मुहिब थे अगर वो शाम आ जाएं तो उनकी कैफियत क्या होगी। अब जो ये इमाम सज्जाद कहते हैं, इसको इस जाविये में देखिए, जब शाम में आज ऐसा हुआ कि अम्मार यासिर के रोज़े को, हत्ता कि हुजर बिने अली के जनाजे की तौहीन की गई, उनकी कब्र मुतहर की तौहीन की गई, वो भी तो क्या थे, मौला अली के इश्क में ही तो शहीद हुए थे। तो अब आप सोचिए जब आज इतनी सदियों के बाद जब उनके पैरोकारों की लाशों की बेहुरमती की जा रही हो, तो अब ताज्जुब न करना अगर ये हुसैन के लाश पर घोड़े दौड़ाते हुए मिल जाए, ताज्जुब न कीजिएगा। हमने कहा जब शाम शाम में आज ये कैफियत हुई कि अम्मार और उवैस के कब्र मुताहर को बम से उड़ाया गया, हुजर बिन अली की कब्र की तौहीन की गई, आप ताज्जुब न कीजिएगा कि अगर इमाम सज्जाद ये कहते हुए मिले, पूछने वाला ये पूछे कि आका सबसे ज़्यादा मुसीबत कहाँ पड़ी, तो तीन मरतबा कहें शाम शाम शाम। अरे जब ये आज उवैस को नहीं भूले, अम्मार को नहीं भूले, हुजर बिन अदी को नहीं भूले, इस घराने के गुलाम को नहीं भूले, तो आका को क्या भूलते। इसीलिए आप सोचिए कि इमाम सज्जाद का ये जुमला मामूली नहीं है कि जब भी किसी ने पूछा आका सबसे ज़्यादा मुसीबत कहाँ पड़ी, सर झुका के क्या कहा, शाम शाम शाम। कभी इस जुमले की गहराई में जाके देखिए, अरे करबला में कौन सी मुसीबत है जो खानवादे इमाम सज्जाद पे नहीं पड़ी है, मगर इमाम सज्जाद ने करबला का नाम नहीं लिया, इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें। अरे अजीजों कभी आपने सोचा क्या 6 महीने के बच्चे के गले पे तीर लगना, वो भी बाप के हाथों पर, ये क्या कोई कम मुसीबत है। लेकिन इमाम ने करबला का नाम नहीं लिया। अली अकबर जैसे हमशक्ल पैगंबर के सीने पे बर्छी लगे और हुसैन अपने हाथों से निकाले, ये कोई मामूली, अरे ऐसा बच्चा कि जब हुसैन ने भेजा तो कहा परवरदिगार तू गवार है। इस दर्द को समझिए इमाम हुसैन क्या कहना कह रहे हैं, मनुशुमा को गवाह नहीं बनाया है इमाम हुसैन, अल्लाह को गवाह बनाते, परवरदिगार तू गवाह रहना, अब मैं किसको भेजूं। तो आप सोचिए ये कोई मामूली गम था, मगर इमाम सज्जाद करबला का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे कासिम जिंदा पामाल हो गया कि चचा को कहना पड़ा कि मेरे लाल कासिम तेरे चचा के दिल को बड़ा सदमा है कि तू बुलाता रहा और मैं तब पहुंचा जब तेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। तो ये कम मुसीबत तो नहीं है, मगर इमाम सज्जाद करबला का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे जनाबे अब्बास अलमदार दोनों बाजू शहीद हो गए, सर पे गुर्द मारा गया, ये कोई मामूली बात है। अरे भाई आपके यहां आज शबे शहलुम है, तो अब अगर इन शोहदा का तस्करा ना हो तो फिर किसका होगा। हमें आज जैनब को जनाब अब्बास का पुरसा देना है, आज हमें जनाब उम्मे फरवा को जनाब कासिम का पुरसा देना है, आज हमें जनाब रुबाब को अली असगर का पुरसा देना है, आज हमें जनाब उम्मे लैला को अली अकबर का पुरसा देना है।
और मैं तो ये कहता हूँ कि शहजादी फातिमा जहरा को उनके लाल अब्बास का पुरसा देना है। गुर्ज, और ये गुर्ज जानते कब पड़ा, जब हाथ दोनों कर चुके थे। रिवायत में तस्री है, रिवायत में तस्री है। हालांकि जो उम्मुल बनीन ने मरसिया कहा है, उस मरसिये में भी पहले हाथ का तस्करा किया फिर गुर्ज का। आप फरमाती हैं कि मैंने सुना है कि मेरे बच्चे के दोनों हाथ कट जाने के बाद उसके सर पे गुर्ज मारा गया। ये वो मुसीबत है जो उम्मुल बनीन ने बयान किया है। और आप जानते हैं कि उम्मुल बनीन करबला के बाद हमेशा कहाँ जाती थी, कहाँ जाती थी, जन्नतुल बकी में। ये रोज का मामूल था। और यादगार अब्बास अबुल फजल को फजल को साथ में ले जाती थी। जनाब अब्बास के बेटे थे फजल, उनका नाम था ना, इसलिए आपको अबुल फजल कहा गया। जनाब उम्मुल बनीन घर में नहीं रोती थी। मैंने सोचा अजी, तो काश आप सोचिए तो बहुत मसाइब में आपको पता चलेगा कि शहजादी की मार्फत क्या थी ना? बाज हमारे उलमा ने ख्वाब में देखा और उन्होंने शहजादी फातिमा जहरा को यह सुना कि उन्होंने अब्बास को अपना बेटा कहा है ना। और उम्मुल बनीन की यह कैफियत है कि अब्बास को बेटा नहीं माना, बस हुसैन को बेटा माना। बच्चन जुमले मसाइब की आज भी जहमत तमाम कर रहा हूं। उम्मुल बनीन की भी कैफियत यही है। यही वजह कि जब बशीर आया है और उसने खबर दी बच्चों की, तो एक एक बच्चों की शहादत की खबर देता गया और उम्मुल बनीन कहती थी और मेरा हुसैन। उसने एक बेटे की शहादत दी, उम्मुल बनीन ने सुन लिया, अपने बच्चे के ऊपर कुछ नहीं कहा, कहा मेरा हुसैन, मेरा बेटा हुसैन। दूसरे बेटे की बशीर ने शहादत की खबर दी, फिर यही बात, मेरा बेटा हुसैन। जनाब जाफर की शहादत की खबर दी गई, कहा मेरा बेटा हुसैन। फिर आखिर में उसने अबुल फजल अब्बास की शहादत की खबर दी, कहा मेरा बेटा हुसैन। तो अब बशीर कहता है कि आपके लाल हुसैन भी करबला में शहीद किए गए और उनका सर नोके नजदे पे बुलंद किया, तो अब वही शहजादी जो अपने बच्चों की शहादत की खबर सुनती रही। अरे सर पीटा, आंखों में आंसू आए एक जुमला का, अरे मेरा जिगर टुकड़े टुकड़े हो गया, मेरा जिगर टुकड़े टुकड़े हो गया। और बस बात को खत्म कर रहा हूं, आपकी जहमत तमाम हो गई। शहजादी आप अपने घर में भी रो सकती थी, मगर क्यों, आप जन्नतुल बकी जाती थी और रोज जाती थी। शायद वो जानती थी ना कि शहजादी फातिमा भी कहां जाती थी। अपने बाबा के बाद शहजादी फातिमा कहां जाती थी, जन्नतुल बकी में ही तो बहतुल अहजान था। तो शहजादी फातिमा जहरा बैतुल अहजान में जाके गिरिया करती थी। अरे ये उम्मुल बनीन की फिरासत है कि वो गमे सैयदा को गमे करबला से मिला दिया। अरे शहजादी जिस फर्श की बुनियाद आपने डाली थी, उम्मुल बनीन जब तक जिंदा रहेगी हुसैन का भी गम वही मनाएगी, अब्बास का भी गम वही पे, अली अकबर कासिम आनो मोहम्मद और हबीब का हम मनाते हैं। सयालमुल्लजीना ज़लमू अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाही व तस्लीमन लिअम्रिह। खुदाया जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बीमार है उनको शिफाए कामिल आजिल इनायत फरमा, जो बेरोज़गार उनको रोज़ी अता फरमा, जो बेमकान उनको मकान अता फरमा, जो बे औलाद उनको औलाद सालिह अता फरमा। परवरदिगार हम सबको आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा, हम सबको बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार जो ये वबा फैली हुई है, परवरदिगार पूरी दुनिया से इसका खात्मा कर, हमारे मुल्क से इसका खात्मा कर। परवरदिगार तमाम मजलूमीन, तमाम मुस्तज़फ़ीन, तमाम मोमिनीन
सबको इस वबा से महफूज फरमा। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल आज देना। परवरदिगार न जाने पिछले साल इसी फर्श अदा पे न जाने कितने लोग मौजूद रहे होंगे जो आज हमारे दरमियान नहीं हैं। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में हमारे उन तमाम मरहूमीन को अज़ाए हुसैन के सवाब में शरीक फरमा। हमारे वालदैन, हमारे भाई, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब, ये फ़र्श बिछाने वाले, इस बस्ती के तमाम मरहूमीन, हाजरीन के तमाम मरहूमीन, परवरदिगार उन सब के गुनाहान सगीरा व कबीरा को बख्श, परवरदिगार उनके दर्जात को बुलंद फरमा। इस इमामबाड़े में मैं बचपने से पढ़ रहा हूँ, बहुत से पुराने चेहरे हमें याद हैं, हमारे बुज़ुर्गों के चेहरे याद हैं, आज वो हमारे दरमियान नहीं हैं, जिन्होंने हमें दुआएं दी, जिन्होंने हमारे सर पे दस्त शफ़क़त रखा। शायद उनके उस दस्त शफ़क़त का नतीजा है कि हम आज इस ज़िक्र अहले बैत के लायक हुए। परवरदिगार उनके ऊपर तू दस्त रहमत रख। परवरदिगार उनके दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगार हमारे मरहूमीन को अदाब क़ब्र, अदाब बरसख़, अदाब नार से महफूज फरमा। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में उनको हमसे राज़ी फरमा, हमें उनकी दुआओं में शामिल फरमा। परवरदिगार हमें और हमारी ज़ुर्रियत को मोहब्बत हुसैन पर ज़िंदा रख। मोहब्बत हुसैन पर इस दुनिया से उठा और मोहब्बत हुसैन के साथ महशूर फरमा। परवरदिगार वारिस हुसैन के ज़ुहूर में तअज़ील फरमा, हमको उनके आवान व अंसार में शुमार।